सिवान का स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे। अस्पताल में बाप बाप कर तरप रहे मरीज, देख लीजिए मंगल पांडे जी। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। फिर एक बार एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बता दें कि बिहार के सिवान के PHC में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल की एक तस्वीर सरकार की पोल खोल रही है। कहने के लिए सरकार मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये सुविधा मरीजों तक पहुंच पाती है या नहीं, इसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक मामला रविवार को गुठनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां चिकित्सकों ने मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल एक मरीज को फर्श पर लिटा दिया। अब वीडियो सामने आने के बाद सिवान में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। बिहार सरकार हमेशा कहती है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था टकाटक हो गया है, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर है ये तस्वीर से साफ हो जाता है, जहां मरीज को पूछने वाला भी कोई नहीं है। आखिर इस तस्वीर को देखकर सूबे के CM नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कहेंगे? यह भी नहीं है कि यह मामला कोई अन्य जिले का है, यह मामला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के खुद के गृह जिला सिवान का है। तो आप जरा हमें बताइए कि जब उनके ही जिले में ऐसी हाल है तो अन्य जिलों का हाल क्या होगा। बता दें कि सिर्फ सिवान जिले के ही स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। ऐसे कई मामले हमने अभी तक दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिविल सर्जन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी सिविल सर्जन से डरते हैं। अगर विकास इसी को कहते हैं तो जरूरत है कि इस विकास को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आंखों से देखे। घटना के संबंध में बताया कि गुठनी थाना क्षेत्र के जमुआव गाँव में रविवार को भूमि विवाद से पंचायती के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में जमुआव गाँव निवासी जनक नारायण राय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गंभीर स्थिति में इलाज कराने के लिए पीड़ित के परिजन गुठनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान चिकित्सकों ने उनकी प्राथमिक इलाज कर अस्पताल के बरामदे में फर्श पर लिटा दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मरीज के साथ उनके परिजन भी मौजूद है, जो कार्टून का हाथ पंखा मरीज के ऊपर हिला रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है। बता दें कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह गृह जिला है। अब उनके गृह जिले के अस्पतालों की घटिया व्यवस्था देखकर सवाल उठना लाजमी है। जिसने भी यह दृश्य को देखा दंग रह गया। बिहार के लोगों से हम एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराए, अगर नहीं है तो बिहार के सरकारी अस्पतालों में मत जाइए। अगर जाएंगे तो बिहार के सरकारी अस्पताल के सिस्टम की चक्की में दाब कर आपको मार दिया जाएगा। यह 21वीं सदी का भारत है, यह एक बार फिर से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होने का दावा करने वाला भारत है, लेकिन इस भारत में न जाने अभी कितनी समस्याएं हैं जो कि मुंह बाय खड़ी है, पर हमारे हुक्मरानों की नजर वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। हुक्मरानों को तो दावे बड़े बड़े पर है, पर उनकी जमीनी हकीकत कुछ और है। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार में देखने को मिला, जो कि न सिर्फ हमारे विकास के दावों की पोल खोल रहा है, बल्कि उन हुक्मरानों को भी आईना दिखाने का काम कर रहा है, जो AC कमरों में बैठकर लोक नीति बनाने की ढोंग करते हैं। बता दें कि यह खबर के मुताबिक इस मामले में सिवान सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा से फोन कॉल कर मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। फिर दूसरा कॉल घंटों तक व्यस्त आता रहा। वहीं जब उनके कार्यालय कक्ष में पहुंचा गया तो उनका कार्यालय में ताला लटका हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और इसी सब समस्याओं को जब हम पत्रकार लोग दिखाने के लिए अस्पताल में जाते हैं तो नीतीश जी के ही यह प्रशासन डंडा लेकर मारता भी है। बहरहाल, हमारी ये प्रयास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके।